हाय गाइस, मैं हूँ ज्योति और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी हाई रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, मैम आप कौन सी क्रीम लगाते हैं, कौन सा स्क्रब यूज़ करते हैं, कौन सी नाइट क्रीम लगाते हैं, कौन सा मॉइस्चराइजर लगाते हैं। सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ। हर चीज़ को लगाने का एक अलग रीज़न है, मौसम पर डिपेंड करता है कि क्या स्किन केयर होगा, साथ साथ हमारी स्किन पे क्या, किस टाइम पे क्या कंडीशन होती है उस पर भी डिपेंड करता है कि हमें क्या चीज़ लगानी चाहिए, कब हमें कौन सी क्रीम लगानी चाहिए। सारी चीजें मैं आपको एक मतलब के साथ, एक रीजन के साथ बताने वाली हूँ। बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ वाओ का लेवेंडर एंड रोज स्किन मिस्ट टोनर। टोनर भी हमारे स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है, बहुत अच्छा होता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन को रिफ्रेश करता है। तो फर्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वाओ का टोनर। सेकंड चीज़ जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है, दिन में मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ बाय बाय ब्लेमिश फेस क्रीम, क्योंकि क्या है, छोटे मोटे जो काले काले दाग से थोड़े बहुत मेरे फेस पे भी एक दो होने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं कोविड के बाद, फेस थोड़ा ख़राब दिखने लगा है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो थोड़े बहुत जो अनइवन स्किन हुई है या फिर उस टाइम पे केयर नहीं हो पाई वो ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए, तो उसके लिए मैं ये वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी है। और तीसरी चीज़ नाइट में मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का ये वाला जेल, ग्रीन टी नाइट जेल प्लम का। तो ये भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन के दाग धब्बों को ख़त्म करता है, स्किन की ब्राइटनेस को बढ़ाता है। जेल हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और स्किन को यंग बनाता है और जो एंटी एजिंग साइंस को भी कम करता है और जो एक्ने है उनसे भी फाइट करता है, क्योंकि ग्रीन टी है। तो अगर आपके फेस पे दाने एक्ने निकलते हैं तो आपके लिए ही जो ग्रीन टी की चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि ग्रीन टी से पिंपल्स नहीं आते। ग्रीन टी की चीज़ें जो इस्तेमाल, जो ग्रीन टी जिसमें होता है सॉल्ट उस प्रोडक्ट में, तो वो आपके पिंपल्स को बैलेंस रखता है। ठीक है जी, मेरे को भी एक दो दाने आते रहते हैं, तो इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ के चीज़ें खरीदी हैं, जो क्योंकि किसी की पिंपल स्किन होती है ना, वो ऐसी नहीं है कि कुछ भी यूज़ कर ले, बहुत सोच समझ के चीज़ें यूज़ करता है वो बंदा, क्योंकि वरना बहुत सी क्रीम ऐसी हैं वो आपके चेहरे को पिंपल से भर देंगी। तो इसके बाद से मैं आपको हेयर केयर पे बताती हूँ। चावल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, चावल की काफ़ी होम रेमेडीज़ भी मैंने आपको बताई है। तो मैं मामा अर्थ का राइस वाटर शैम्पू यूज़ कर रही हूँ आजकल फॉर डैमेज रिपेयर, क्योंकि कोविड की वजह से मेरे भी थोड़े बहुत बाल टूटने लगे हैं, होता ही है, बहुत से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत सी चीज़ें मैंने आपको बताई भी नहीं है मेरे साथ क्या क्या चल रहा है। ठीक है जी, और जो दूसरी चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ सेम कंडीशनर राइस वाटर कंडीशनर मामा अर्थ का फॉर डैमेज रिपेयर हेयर। ठीक है जी, तो राइस हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। आप चाहेंगे कहेंगे तो मैं आपको राइस की बहुत अच्छी होम रेमेडी भी बना के दिखा दूंगी बालों के लिए, कि किस तरह से आप जो चावल को घर में यूज़ कर सकते हैं एज अ शैम्पू, एज अ कंडीशनर आपके बालों पे, ताकि चावल के सारे गुण आपके बालों को मिल जाए। और तीसरी चीज़ ये है राइस हेयर ऑयल सेम मामा अर्थ का है विद राइस ब्राउन एंड कोकोनट ऑयल फॉर डैमेज रिपेयर, जो कि मैंने आपको बताया बाल टूटने लगे हैं, कोई भी टाइप के आपके बाल है, सब पे तीनों चीज़ें सूट करेंगी। ठीक है जी, तो ये थे कुछ हमारे प्रोडक्ट। लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी, ये वाला पैलेट भी मैंने लिया है मिस रोज़ का, इसमें सारे कलर जो हैं आ गए हैं लिपस्टिक के, आप देख सकते हो सारे कलर्स है, कोई भी आप सूट पहनो कोई कलर की आपके पास लिपस्टिक ना हो, और सारे काफ़ी ट्रेंडी कलर है। लेकिन 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 मेरे को थोड़ा स्मेल आ रही है इसमें से, पता नहीं मुझे ही आ रही है या क्या रीज़न है, मेरे को नहीं लगता मैं यूज़ कर पाऊँगी, क्योंकि लिपस्टिक मैं वही लगाती हूँ जिसमें कोई स्मेल ना हो, वरना मेरे को सर दर्द होने लगता है वही स्मेल पूरे फेस पे। इसमें मेरे को च्युइंगम जैसी स्मेल आ रही है, जैसे च्युइंगम में आती है ना उस तरह की आ रही है, बहुत तेज़ नहीं है, हल्की है, बाकी देख लेना आपको अच्छी लगे तो। ये सारी चीज़ें हैं, इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, साथ साथ मैं आपको माई होल स्टोर के नाम से भी लिंक दूंगी, वहाँ पे भी क्लिक करेंगे प्रोडक्ट्स पे पहुँच जाएंगे। बाकी स्किन केयर जो मेरी क्रीम्स हैं और जो बालों के लिए हेयर केयर है वो बहुत सोच समझ के लिया गया है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए